कह रहे सांसद सब बाहर के लोग हैं, वो कुछ हमारे इस अधिकार के बारे में दिल्ली में बोलता नहीं है। वक्त आने वाला है, अपने सांसदों को भेजिए ताकि झारखंड की हिस्सेदारी, झारखंड के हक और अधिकार को भारत सरकार रोक न सके, ये मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वरना ये गूंगे बहरे लोग जाएंगे, भाजपा के लोग ये पार्टी के इशारों पर नाचेगा, झारखंड की हिस्सेदारी और हकदारी की बात नहीं करेगा। आज एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपए झारखंड की हिस्सेदारी की दिल्ली में बकाया है। हम सब लड़ रहे हैं, केवल एक बेचारा विजेता कितना अकेले वहां लड़ेगा। 13 लोग तो झारखंड के गूंगे बहरे बैठे हैं, उन गूंगे बहरों के बदलिए आप झारखंड की जो गठबंधन की सरकार जिसको सामने खड़ा करे उनको साथ दीजिए, ताकि हक भी दिल्ली से लोग लड़के ला सके और इस सरकार को मजबूती दे सके। भाजपा के चंद दलाल उसके पीछे घुस गए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि जो भी पकड़े जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी, और जिन पदाधिकारियों की संलिप्तता होगी उसकी नौकरी जाएगी, इसकी गारंटी है, इसलिए एक गलत आदमी का नहीं होगा। ये कठोर निर्देश है इनके, मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। लगा कि अब विधायक नहीं तोड़ पाएंगे, सरकार ना गिरा पाएंगे, तब ईडी और सीबीआई आई। अब ईडी और सीबीआई का खेल शुरू हुआ है। मैंने ईडी और सीबीआई पे एक लंबी कविता लिखी, उसकी चार पंक्ति आपको बताता हूं कि हमें कुछ खास एहसास हुआ है बस 2024 कुछ खास हुआ है। लगता है कि भाजपा ने शुरू कर दी है चुनाव की तैयारी, क्योंकि विरोधियों पर तेज हो गई है ईडी की छापेमारी। बहनों भाई, इसीलिए है ये सीबीआई। और केवल यही नहीं, आप देखिए पूरे देश में देखिए कि जो उनके विरोध में है उनके यहां धमक होता है ईडी का, सीबीआई का। मेरे घर में भी हो, आप सबको पता है। ताकि लिए जन कल्याणकारी योजना, गरीबों की योजना के लिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी का, वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का और पूरी गठबंधन की सरकार का, जहां यहां गठबंधन की सरकार के और एक मंत्री हमारे आदरणीय भोक्ता जी हैं, इन तमाम लोगों का। और मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा के इसके लिए आभार आप सब व्यक्त करें कि आप सब गरीबों के लिए ही योजना है। और इस योजना के पीछे क्या सोच है आपने सुना एक एक लोगों से, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता कि यह योजना आपके लिए और सबको घर मिलेगा, इसकी गारंटी है। इस योजना में कोई नहीं छूटेगा। और आपने देखा होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए, जो शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि जिसे घर मिल गया है वो भी घर ले रहा है, कुछ बिचौलिए लग गए हैं, भाजपा के चंद दलाल उसके पीछे घुस गए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि जो भी पकड़े जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई होगी, और जिन पदाधिकारियों की संलिप्तता होगी उसकी नौकरी जाएगी, इसकी गारंटी है, इसलिए एक गलत आदमी का नहीं होगा। ये कठोर निर्देश है इनके, मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यहां तीन उपायुक्त हैं, उनसे आग्रह जरूर करना चाहता हूं, उन बिचौलियों पर ध्यान दें, उन कर्मचारियों पर आप ध्यान दें, मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, जब से सरकार बनी, किस हालात में यह राज्य मिला, सरकार गठबंधन के हाथ में, आदरणीय हेमंत जी के हाथ में, आपने देखा होगा खोखला था झारखंड। पिछली सरकार रघुवर दास जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकार ने किस प्रकार से खजाने को लूटा था कि जब 2019 में शपथ ग्रहण हुआ, वेतन के पैसे देने के लाले पड़ गए थे। उस समय एक श्वेत पत्र जारी हुआ था, आप सबको याद होगा तो, कि भाई बिजली के ट्रांसमिशन संचरण स्थिति को सुधार करने के लिए
झारखंड सरकार रघुवर दास ने 6000 करोड़ ऋण लिया था। झारखंड सरकार पर बोझ बन गया, बिजली नहीं सुधरी, इस तरह से दोनों हाथ से लूटा पैसा झारखंड के गरीबों का, एजेंसी गुजरात का, बड़ी बेतरबी से लूटा था। खजाना खाली मिला, वहां से धीरे धीरे हम उभरे, यह सरकार उभरी, खजाने में कुछ कोष आए। तो एक कहावत है ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। कोरोना महामारी आ गई, जो सीता जी अभी बता रही थी, आदरणीय विधायक सीता जी, और उस कोरोना से भी उबरने का झारखंड सरकार ने बेहतर काम किया। पूरे देश में सबसे अव्वल काम किया, इसमें कई दो राय नहीं है। वहां से हम निकले तो आपने देखा होगा कि सरकार ने एक एक कल्याणकारी योजना जनता के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए लाया। पहला उदाहरण है आदरणीय चंपईदा, जो आज मुख्यमंत्री है, ये कल्याण मंत्री थे उस समय, कि भाई जो गरीबों की छात्रवृत्ति छात्रों का, जो कि पिछली सरकार ने एक तिहाई कम कर दिया था, सीधे 50,000 से घटा के स्टाइपेंड को 15,000 कर दिया था, कि गरीब के बच्चे कॉलेज से चले जाए लौट करके, छात्रावास छोड़ के घर चले जाए, बीएड कॉलेज छोड़ करके घर चले जाए। यस, इस सरकार ने पहला निर्णय लिया चंपईदा को। मैं फिर से एक बार यहां से बधाई देता हूं कि फिर से 3 गुना किया उस छात्रवृत्ति को। और आपने कल की कैबिनेट की घोषणा सुनी होगी कि अब दोनों सेला, दोनों बेला छात्रावास में रहने वाले लोगों को भोजन भी मिलेगा। देखिए काम, किस काम का उदाहरण दूं आपको, सर्वजन पेंशन योजना, जिसकी देश नहीं पूरी दुनिया में बड़ाई हो रही है। और अब तो सरकार ने यह कर दिया कि पहले तो 60 बच्चर था, अब तो महिलाओं के लिए सरकार ने मात्र उम्र की सीमा 50 वर्ष कर दिया, कि 50 वर्ष के बाद राज्य की सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। जोरदार ताली बजाइए इस निर्णय के लिए आप सब। सभी महिलाओं को 50 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगा, ये है कल्याणकारी योजना। आदिवासी दलित तो सबको मिलेगा 50 वर्ष में। कहानी कल्याण की यहां से प्रारंभ होती है। एक एक योजना, जिन योजनाओं का नाम गिनाऊं, बच्चियों के लिए जो आपने देखा कि एक बच्ची जो स्कूलों में जाती है, किशोरी समृद्धि योजना, एक एक बच्ची को 40,000 रुपये मिलेगा उनके खाते में जो मिल रहा है। एक एक काम प्रारंभ हुआ, और सबसे महत्वाकांक्षी काम प्रारंभ हुआ ये, इन कामों को रोकने के लिए आपने देखा कि कई बार इस सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, विधायकों को तोड़ने का प्रयास हुआ, वहां से ना सके, लगा कि अब विधायक नहीं तोड़ पाएंगे, सरकार ना गिरा पाएंगे, तब ईडी और सीबीआई आई। अब ईडी और सीबीआई का खेल शुरू हुआ है। मैंने ईडी और सीबीआई पे एक लंबी कविता लिखी, उसकी 4 पंक्ति आपको बताता हूं कि हमें कुछ खास एहसास हुआ है, हमें कुछ खास एहसास हुआ है, वर्ष 2024 कुछ खास हुआ है, लगता है कि भाजपा ने शुरू कर दी है चुनाव की तैयारी, क्योंकि विरोधियों पर तेज हो गई है ईडी की छापेमारी। बहनों भाई, इसीलिए है ये ईडी, इसीलिए है ये सीबीआई। और केवल यही नहीं, आप देखिए पूरे देश में देखिए कि जो उनके विरोध में है, उनके यहां धमक होता है ईडी का, सीबीआई का। मेरे घर में भी हो, आप सबको पता है, पाया कुछ नहीं, लेकिन चौकट तो आके तो जमाया अपनी चौकड़ी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हेमंत जी भी बेदाग ईडी के पायदे से निकलेंगे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, दावे के साथ कह सकता हूं। ये कोई आरोप है? मेरे नाम पर जमीन नहीं, फिर भी हमें कह रहा है कि आपने जमीन का घोटाला किया है। और अब अगर आपने हेमंत जी के भाषण को सुना होगा विधानसभा में,
उन्होंने चुनौती भरे शब्दों में कहा विरोधियों को कि हिम्मत है तो हमें कागज मेरे सामने लाओ, मैं राज्य की राजनीति से क्या झारखंड राज्य छोड़ने के लिए मजबूर। बहनों भाई ये चीजें हैं। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब ने जिस प्रकार से सरकार को समर्थन किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने लागू की है, उन योजनाओं का आप समर्थन कीजिए और इस सरकार को इसलिए मजबूती का साथ दीजिए कि यही सरकार है जो आपको हिस्सेदारी दिलाएगी, आपको अधिकार दिलाएगी। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ओबीसी के आरक्षण जो इस सरकार ने 27% करके राजभवन भेजा है, क्यों तुम्हारे राज्यपाल ने रोक के रखा है, किसके इशारे पर रोक के रखा है, कहानी यहां सुनिए, क्यों रोक के रखा है। हमारी सरकार आदरणीय हेमंत जी ने, वर्तमान सरकार चंपई जी के नेतृत्व में ओबीसी के आरक्षण को तो 27% कर दिया, रोकने वाले कौन है? और हमारे जो सांसद हुआ है मात्र एक अपना है, 13 सांसद सब बाहर के लोग हैं, वो कुछ हमारे इस अधिकार के बारे में दिल्ली में बोलता नहीं है। वक्त आने वाला है, अपने सांसदों को भेजिए ताकि झारखंड की हिस्सेदारी, झारखंड के हक और अधिकार को भारत सरकार रोक न सके, ये मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। वरना ये गुंगे बहरे लोग जाएंगे, भाजपा के लोग ये पार्टी के इशारों पर नाचेगा, झारखंड की हिस्सेदारी और हकदारी की बात नहीं करेगा। आज एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपए झारखंड की हिस्सेदारी की दिल्ली में बकाया है। हम सब लड़ रहे हैं, केवल एक बेचारा विजेता कितना अकेले वहां लड़ेगा? 13 लोग तो झारखंड के गुंगे बहरे बैठे हैं, उन गुंगे बहरों के बदलिए आप झारखंड की जो गठबंधन की सरकार जिसको सामने खड़ा करे, उनको साथ दीजिए ताकि हक भी दिल्ली से लोग लड़के ला सके और इस सरकार को मजबूती दे सके। इन्हीं चंद बातों के साथ आइए, इस सरकार को मजबूती से साथ दीजिए, गठबंधन को मजबूती से साथ दीजिए ताकि विकास के कामों में और तेजी लाया जा सके, कल्याणकारी योजना धरातल पर उतारा जा सके। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए